हैं कि उधर बैरिकेटिंग में बिल्डिंग कर दिया गया है और तीन तीन लेयर जेल बनाना चाहते हैं। ये देखो ऐसे ही किसान आंदोलन में हुआ था और कहीं ना कहीं ये बैरिकेटिंग आप हाँ बिल्कुल जान देने के लिए तैयार है आखिरी दम तक। ये छोटा मुद्दा है चोट वगैरह, ये बड़ा मुद्दा है, देश की बेटियों का सवाल है और ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अन्न देता है किसान ही, पहलवान देता है किसान ही, जवान देता है, सब किसान परिवारों से ही हैं, कोई अंबानी अडानी के बच्चे नहीं बने हैं ये, ठीक है। कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अन्याय होगा तो वो तो देखो चीज़ें होंगी, जब प्रोटेस्ट होंगे तो सामना भी होगा। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं जनीताबाद। मेरे साथ हैं राहुल जी, जिन ये वही राहुल जी हैं जिनके साथ पुलिस की हाथापाई हुई थी और इनका सर फूट गया था। आज देख लीजिए 17वां दिन है आज और आज भीड़ बहुत कम है, क्या कमजोर होते जा रहा है धरना? नहीं, भीड़ कहाँ कम है, हमने तो बैरिकेडिंग बढ़ाई है, ये जगह बढ़ा रहे हैं, ज्यादा लोग आ रहे हैं और खाप चौधरियों ने एक रखा है कि भाई रोज 10 खाप 20-20 लोग भेजेंगे और धरने का ध्यान रखेंगे, वही सब चल रहा है धीरे धीरे। 21 तारीख दी हुई है, उसमें दोबारा मीटिंग होगी, तो यहाँ लोगों को कम आने के लिए कहा गया है और जो आम लोग हैं वो आ नहीं पाते, जंतर मंतर उनको पता नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं साधन का पता नहीं है लोगों को, तो जो लोग आ रहे हैं वो खाप के हैं या किसान संगठनों से हैं, वही लोग आ रहे हैं। लोगों को मालूम नहीं है जंतर मंतर का पता, वो आम लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से 14-15 दिनों तक तमाम भीड़ आई हुई थी, इतनी उमड़ी हुई थी भीड़ खाप पंचायतों की, किसान नेताओं की, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। नहीं, बहुत है और रोज आ रहे हैं, दिन में भी सुबह भी आए थे, अभी और आते रहेंगे जाते रहेंगे। आश्वासन मिला सरकार की तरफ से? अभी कोई बातचीत नहीं है, जो होगी तो आप लोगों के सामने आएगी, कमेटी अभी बात कर रही है इस विषय में। लोग सवाल उठा रहे हैं तरह तरह के कि इतने सालों से कहाँ थे, अभी बोल रहे हैं, तमाम तरह के सवाल हैं जो लोगों के भी मन में उठ रहे हैं और जो बीजेपी के लोग हैं वो भी उठा रहे हैं कि ये लोग उतने सालों से कहाँ थी। देखिए कैरियर की भी बात है रेसलर्स की, अगर पहले उठाते तो कहीं ना कहीं खेलने नहीं दिया जाता, कहीं ना कहीं प्रेशर था, ठीक है। अगर वो भाई वो अपनी बात रखने के लिए, एक संविधान में सबको आज़ादी दी है, वो अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और गलत हुआ है तो उस गलत के लिए ही कह रहे हैं, FIR होनी चाहिए। और FIR तो हो चुकी है, जब कहा था FIR होनी चाहिए, नहीं करी पुलिस ने, तो कोर्ट के माध्यम से हुई, कोर्ट पे पूरा भरोसा है, अभी तो जांच, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर, बंद कर दिया केस, बोला लोअर कोर्ट में जाने नहीं, तो जो जितनी मांगी गई थी उतनी मान ली गई है। अरेस्टिंग तो पुलिस को करना है, जांच कर रही है, जो भी है वो पुलिस को बयान दर्ज करने चाहिए। तो पुलिस से बात हुई तो पुलिस ने क्या किया, क्यों लेट कर रही है पुलिस? ये तो हम नहीं कह सकते जी, आप लोग उनसे पूछो, पुलिस वालों से, ये तो प्रशासन बताएगा, सरकार बताएगी। आप देख सकते हैं कि उधर बैरिकेटिंग में बिल्डिंग कर दिया गया है और तीन तीन लेयर जेल बनाना चाहते हैं। ये देखो ऐसे ही किसान आंदोलन में हुआ था और कहीं ना कहीं ये बैरिकेटिंग, आप कल जो है हमारे किसान संगठनों से लोग आए तो उन लोगों ने जब उनको रोका गया, पंजाब की जत्थेबंदियां थी, तो उन्होंने इनको गिरा दिया, कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है बैरिकेटिंग। और जब किसान आएगा या कोई भी गांवों से लोग आएंगे तो बैरिकेटिंग से कहाँ रुक जाएंगे, सरकार को ध्यान देना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। आपने बोला किसान, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ये लोग किसान पहलवानों के धरने को किसान के धरने में तब्दील कर दिए। तो किसानों के ही तो बच्चे हैं सब, किसान ही तो अन्न देता है, किसान ही पहलवान देता है, किसान ही जवान देता है, सब किसान परिवारों से ही हैं, कोई अंबानी अडानी के बच्चे नहीं बने हैं ये, ठीक है, तो किसानों के ही हैं ये सब और किसान तो आएंगे क्योंकि बच्चे हैं, तो अगर मदद मांगी गई है हमारी तरफ से तो वो आएंगे। जिस तरीके से आपने देखा था कि किसानों का जब आंदोलन चल रहा था तो तमाम तरीके की मतलब दुविधाएं हुई थी, बहुत सारे किसान मारे भी गए, खालिस्तानी भी बताया गया, लेकिन अभी पहलवानों के समर्थन में भी किसान आ रहे हैं, ऐसा कुछ होगा तो आप लोग क्या करेंगे?
में आप एक एग्जांपल हैं, इनके सर में चोट लगी हुई है अभी, क्योंकि इन्होंने मफलर लगाया था, इनको दिख नहीं रहा, इन्हीं के सर में चोट लगी हुई है। जब पुलिस से झड़प हुई थी तो इनके सर में चोट आई थी, बहुत खूने निकली थी इनके, देख सकते हैं आप। तो आपके साथ भी इस तरीके का पुलिस ने किया और आगे भी कर सके, इसके लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, जान देने के लिए तैयार है आखिरी दम तक। ये छोटा मुद्दा है चोट वगैरह, ये बड़ा मुद्दा है, देश की बेटियों का सवाल है और ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को इस पर जल्दी सुनवाई कर लेनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पीछे बच्चे हैं, हमारे फैमिली हैं, कभी हमें कुछ होगा तो क्या होगा? ठीक है, सब परिवार के लोग हैं भाई, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अन्याय होगा तो वो तो देखो चीज़ें होंगी, जब प्रोटेस्ट होंगे तो सामना भी होगा, फेस करना पड़ेगा हर चीज़ को, इसके लिए तैयार। बाकी शांतिपूर्ण तरीके से हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट होगा। तो देखा हमने राहुल जी से बात की और इन्होंने बोला है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, इनके सर में चोट भी लगी थी और ये इन्होंने अभी बोला है कि चाहे मरना भी पड़े हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, चाहे बैरिकेडिंग कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो आप लोग इस पूरी खबर पे क्या रहे?